नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज। मैं हूं अनामिका सिंह। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज पहले दिन शोक संदेश के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र को हंगामेदार बनाने के लिए इस बार नेता प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी आज सदन पहुंच चुके हैं। आज पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार, जेडीयू एमएलसी संजय गांधी ने उनको फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए आज विधानसभा की शीतकालीन सत्र में शामिल होने पहुंचे तो उनकी पार्टी के विधायकों का मनोबल काफी बढ़ गया। विधानसभा की गेट के बाहर कांग्रेस और लेफ्ट ने विरोध प्रदर्शन किया। वही कार्रवाई में भाग लेने के लिए बीजेपी एमएलसी संजय पासवान साइकिल से विधान परिषद पहुंचे। जल जीवन हरियाली मिशन का संदेश देते हुए संजय पासवान ने सभी सदस्यों को साइकिल से विधान परिषद आने का आग्रह किया। वही जेएनयू के मुद्दे पर दोनों पार्टियों ने केंद्र सरकार का विरोध किया, यानी सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई है। सूत्रों के अनुसार इस बार भी ज्यादा दिन तक तेजस्वी यादव सदन में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि झारखंड में चुनाव चल रहा है, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। पार्टी के 3 दर्जन से ज्यादा नेता विधायक चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण बिल को पास करने की कोशिश भी करेगी और विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी भी करेगी। विश्वविद्यालय यही इसलिए बनाए गए थे, पब्लिक फंडेड के कम से कम पैसों में उनकी शिक्षा हो सके। हम सब लोगों ने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उस शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। प्रत्येक अगर स्टूडेंट पानी तक का पैसा, बिजली तक का पैसा, जो 100 रुपये महीना था वो 1200 रुपये महीने कर दिया गया। लगभग 7 से 8 हज़ार रुपया अगर ये फीस वहाँ नहीं घटाई जाती है तो बढ़ जाएंगे। 7 से 8 हज़ार रुपया दे करके कोई MA MPhil PhD रिसर्च नहीं कर पाएगा, खासतौर पर पिछड़े क्षेत्र का इलाके का स्टूडेंट, बिहार का स्टूडेंट खासतौर पर। इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रोल बैक होना चाहिए। और सुशील मोदी की जो जहनी विलासिता है वो अजीब गरीब है, तर्कहीन बात करते हैं, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी के खिलाफ वो बात करते हैं। 14 साल के वो मिनिस्टर हैं, यहाँ 14 साल की मिनिस्ट्री में उन्होंने आज तक पब्लिक द्वारा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, पटना विश्वविद्यालय का जो हाल इन्होंने कर रखा, एक यूनिवर्सिटी तो अच्छी बना नहीं सके। अच्छी बनी हुई, टॉप यूनिवर्सिटी बनी हुई को बदनाम और उसको व्यवसायीकरण करना चाहती है सबके हम लोग।